हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेव करियर इंस्टीट्यूट। चलिए आज हम अपनी क्लास जो है एडजेक्टिव्स की, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एडजेक्टिव का बेसिक्स क्लास जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें जो है मैंने जितने भी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स है, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव्स को कैसे पहचाने, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कशन कर दी है उस वीडियो में। तो इस वीडियो में स्पेशल क्या है, इस वीडियो में एडजेक्टिव्स को हम और अच्छी तरीके से डील करेंगे। कहने का मतलब है, एग्ज़ाम्स में जो एरर आते हैं एडजेक्टिव्स के ऊपर, हम उन एरर्स को देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का जो वीडियो है। लास्ट जो वीडियो थी एडजेक्टिव की, उसमें मैंने बताया था ख़त्म करते करते प्रॉपर एडजेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, तो आज का डिस्कशन जो है हम प्रॉपर एडजेक्टिव से ही स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव, ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन से ही डिराइव हुए वर्ड्स जो है वो हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनते हैं। क्या क्या मैंने, प्रॉपर नाउन से ही बने हुए वर्ड्स प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनते हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड पे आप देख सकते हो तीन प्रॉपर नाउन लिखे हैं मैंने, फ्रांस, जर्मनी, गांधी। फ्रांस एक कंट्री का नाम है तो ये एक प्रॉपर नाउन है, जर्मनी भी सिमिलरली एक प्रॉपर नाउन है, गांधी किसी का नेम है वो भी एक प्रॉपर नाउन है। तो इन्हीं वर्ड्स से जो डिराइव हुए वर्ड्स होंगे, जो भी वर्ड्स डिराइव होंगे वो हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनेंगे। जैसे मैं कहूँ फ्रांस से जो बनेगा वह हमारा फ्रेंच, जर्मनी से बनेगा जर्मन। ठीक है, गांधी से मान लीजिए बना गांधीयन। क्या फ्रेंच ये एक एडजेक्टिव है? नहीं, ये फ्रेंच जो है ये एक एडजेक्टिव नहीं है। क्यों? फ्रेंच एक लैंग्वेज का भी नाम है। ठीक है, ये अभी तो एडजेक्टिव नहीं है, पर अगर मान लीजिए इनके बाद कोई नाउन आ जाए, जैसे मैं कहूं फ्रेंच आर्मी, तब ये जो वर्ड है फ्रेंच, ये एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तब ये फ्रेंच जो है क्या बन जाएगा, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। सिमिलरली अगर मैं कहूं जर्मन टैंक्स, गांधीयन फिलोसफी, तो देख सकते हो ये सारे वर्ड्स जो है, जर्मन, गांधीयन, ये सारे जो है ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अब कौन से टाइप के एडजेक्टिव से, ये हमारे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, प्रॉपर नाउन से ही डिराइव हुए वर्ड्स प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं। कब? जब उनके बाद कोई नाउन आ जाए तब। ठीक है, आर्मी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, उस वर्ड को क्वालिफाई करने का काम फ्रेंच कर रहा है, इसीलिए फ्रेंच जो है हमारा एक प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसके बाद जो टर्म हम यूज करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद वो है हमारा कॉमन प्लूरल नाउन। क्या वर्ड है? कॉमन प्लूरल नाउन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? द प्लस में एडजेक्टिव। ठीक है, कौन सा एडजेक्टिव होगा? ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और इसके बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कहूं रिच, मान लीजिए एक एडजेक्टिव है रिच। ठीक है, अब मान लीजिए इसके बाद अगर मैं द लगा देता हूं तो ये बन जाएगा द रिच। कहने का मतलब है अमीर लोग। हाँ, एक कंडीशन क्या है कि इसके बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई नाउन आ गया इसके बाद, जैसे मान लीजिए द रिच मैन, तब ये कॉमन प्लूरल नाउन नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहां पे अगर इसके बाद कोई नाउन नहीं आता है, द
तब ये कहलाएगा हमारा कॉमन प्लूरल नाउन. सिमिलरली अगर मैं यूज करूं फ्रेंच को, दी फ्रेंच, दी फ्रेंच, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्रेंच, फ्रांस के लोग. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं यूज करूं दी पुअर, तो मतलब क्या निकलेगा, गरीब लोग. कहने का मतलब है कि अगर दी द प्लस में एडजेक्टिव आ जाए, कौन सा एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आ जाए, और उसके बाद में अगर कोई नाउन ना हो तो ये हमारा कहलाएगा कॉमन प्लूरल नाउन. ठीक है. अब आइए एक एक करके एक बार, पहले आप इन सारे वर्ड्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद कुछ एरर्स देखते हैं कैसे इन पे एरर्स आते हैं एग्जाम्स में. ठीक है. आई होप कि आपने जितने भी मैंने लिखाए थे चीज प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में उसको नोट डाउन कर लिया हो. ठीक है. तो आइए अब देखते हैं कि ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव है इस पे एरर्स कैसे आते हैं एग्जाम्स में. ठीक है. तो ये बोर्ड पे चार सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. अगर पहले आप इसको पहचानिए कि इसमें एरर क्या है, एक बार आप खुद से ट्राई करिए सेंटेंसेस को पढ़ के समझिए कि हाँ यहाँ पे एरर है, यहाँ पे क्या एरर है, वो एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ इसमें क्या एरर है. ठीक है. तो आई होप आपने एक बार नोट डाउन कर लिया हो कॉपी में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, द फ्रेंच इज द मदर टंग ऑफ फ्रेंच. ये हमारा सब्जेक्ट है. इज क्या है, मेन वर्ब. मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था इज हेल्पिंग वर्ब कब बनेगा, जब इसके बाद कोई एक्शन वर्ड आएगा. कोई एक्शन वर्ड नहीं है तो इज ही यहां पे मेन वर्ब बन जाएगा. इज व्हाट, मदर टंग. ये एक चीज है, ये कंपाउंड नाउन है. ये हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन. फ्रेंच जो है इसका ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो इसमें एरर है कहां पे, इसमें एरर कहां पे है, अगर आप गौर से देखो, मैंने प्रॉपर एडजेक्टिव डील करते करते बताया था एक टॉपिक कॉमन प्लूरल नाउन के बारे में. अगर यहां पे द लग गया हो, द फ्रेंच, तो इसका मतलब क्या बनता है, फ्रेंच लोग. अगर आप देखो सेंटेंस को तो मतलब क्या बन रहा है कि फ्रेंच लोग मदर टंग है फ्रेंच की. क्या ये पॉसिबल है, क्या फ्रेंच लोग जो है वो मदर टंग होंगे फ्रेंच की, या फ्रेंच जो है वो मदर टंग है फ्रेंच लोगों की. तो क्या करना होगा हमें यहाँ पे हमें ये जो आर्टिकल है द यहाँ हटाना होगा, और हमें ये जो द आर्टिकल है यहाँ पे लगाना होगा. ठीक है. तब क्या बनेगा, फ्रेंच इज द मदर टंग ऑफ द फ्रेंच. अब इसका मतलब एकदम करेक्ट है. सेकेंड सेंटेंस को देख लेते हैं. पॉन्डिचेरी वॉज रूल्ड बाय फ्रेंच आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है. सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं. पॉन्डिचेरी सब्जेक्ट है. वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब क्यों है यहाँ पे वॉज, क्योंकि इसके बाद एक एक्शन वर्ड आ रहा है रूल्ड. रूल्ड मतलब होता है शासन करना. ठीक है. ये मेन वर्ब. ये बाय क्या है, प्रेपोजिशन है. ठीक है. ये इसका ऑब्जेक्ट किसका, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट. आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन, और इंडिपेंडेंस इसका ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो देखिए, पॉन्डिचेरी वॉज रूल्ड बाय फ्रेंच आफ्टर इंडिपेंडेंस. सुनने में तो सेंटेंस एकदम करेक्ट है, पर देखिए मतलब क्या है यहां पे, पॉन्डिचेरी. ठीक है. पॉन्डिचेरी पे शासन किया जाता था फ्रेंच के बाद, आजादी के बाद भी. तो यहाँ पे फ्रेंच क्या, फ्रेंच लोग होंगे. जब फ्रेंच लोग होंगे तो यहाँ पे द आर्टिकल लगेगा, तब इसका मतलब बनेगा कि पॉन्डिचेरी जो है फ्रेंच के द्वारा शासन किया जाता था. ठीक है. आजादी के बाद भी यहाँ पे हमें जो है द आर्टिकल लगाना होगा, जिसका मतलब बनेगा फ्रेंच लोग. ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है कि आजादी के बाद भी, तो यहाँ पे एक एडवर्ब और लगेगा. यहाँ पे आपको लगेगा इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस. इवन, इवन क्या है, एक एडवर्ब, जिसका मतलब यहाँ पे बनेगा कि पॉन्डिचेरी जो है वो आजादी के बाद भी शासन किया जा रहा था फ्रेंच लोगों के द्वारा. ठीक है. थर्ड सेंटेंस देखते हैं. मिस्टर वर्मा हैज बीन लर्निंग द फ्रेंच फॉर लास्ट 6 मंथ्स. ठीक है. अब देखिए, मिस्टर वर्मा क्या है, सब्जेक्ट है. Has be helping verb, been be helping verb, learning main verb, learning what? French object,
फॉर प्रेपोजिशन, ठीक है, मंथ इसका ऑब्जेक्ट, सिक्स क्या है, सिक्स है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव, और ये लास्ट है हमारा एडवर्ब, ठीक है। अब देखिए, अगर आप हिंदी से समझो तो मतलब क्या बन रहा है कि मिस्टर वर्मा जो है फ्रेंच लोगों को सीख रहे हैं पिछले छह महीने से। क्या ये पॉसिबल है क्या कि मिस्टर वर्मा जो है छह महीनों से फ्रेंच लोगों को सीख रहे हैं, द फ्रेंच? तो यहाँ पे द फ्रेंच नहीं, यहाँ पे द हटेगा, यहाँ पे सिर्फ मतलब बनना चाहिए कि मिस्टर वर्मा जो है फ्रेंच सीख रहे हैं पिछले छह महीनों से, ठीक है। लास्ट सेंटेंस को देखते हैं, द पुअर मैन हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन इज ऑफन नेग्लेक्टेड बाई द गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे पुअर मैन जो है सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। हु क्या है यहाँ पे हमारा, तो हु यहाँ पे क्या है, हु जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। लीव क्या है, मेन वो, बिलो क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक है। ये पॉवर्टी लाइन क्या है, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये है क्या पॉवर्टी लाइन, ये एक कंपाउंड नाउन है। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ऑफन क्या है, एडवर्ब, नेग्लेक्टेड मेन वर्ब, बाय अगेन प्रेपोजिशन है, गवर्नमेंट इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर देखिए यहां पे मतलब क्या निकल रहा है, यहां पे हमें मतलब चाहिए सेंटेंस का कि गरीब लोग जो है अक्सर जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं वो नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जब हमें मतलब निकालना हो गरीब लोग, तो यहाँ पे मैन लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मैन लगाने से हम एक स्पेसिफिक कर दे रहे हैं, डेफिनेट कर दे रहे हैं कि किसी एक इंसान को, पर हमें यहाँ पे मतलब निकालना है कि जितने भी गरीब लोग हैं वो जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है वो अक्सर नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे द पुअर लगेगा, जो एक कॉमन प्लूरल नाउन है जिसका मतलब क्या बनता है, गरीब लोग, ठीक है। और यहाँ पे अभी सेंटेंस क्या एरर फ्री हो गया क्या, इस सेंटेंस में एक और एरर है। एरर क्या है कि जब द पुअर जो है वो एक प्लूरल नाउन है, अगर द पुअर जो प्लूरल है तो यहाँ पे इस क्या कर रहा है, यहाँ पे होना चाहिए था आपका आर। अब ये सेंटेंस जो है वो एकदम एरर फ्री हो गया है, अब मतलब एकदम करेक्ट है। द पुअर हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन आर ऑफन नेग्लेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अब ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो इन सारे सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ कहाँ पे आपने गलती की थी, ठीक है। अपने गलतियों को सुधार लीजिए, उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव के साथ आपसे मिलता हूँ, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव देख लेते हैं। हमने प्रॉपर एडजेक्टिव्स को डिस्कस कर लिया, प्रॉपर एडजेक्टिव के टाइप्स देखे, उस पर बेस्ड एरर्स देखे। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, जो है हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव। देखिए न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है, मैंने बेसिक्स क्लास की क्लास में बताया था, न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कार्डिनल, एक होते हैं ऑर्डिनल। कार्डिनल कौन है, नंबर बताने वाले, जैसे 1, 2, 3, ठीक है, आई बाउट 5 pens, ठीक है, ही गेव मी 3 toffees, यहाँ पे ये सब कार्डिनल एडजेक्टिव्स है। ऑर्डिनल क्या है, ये ऑर्डर बताने का काम करते हैं, जैसे मैं कहूँ फर्स्ट कार, सेकेंड हाउस, ठीक है, ये सब क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स है, ठीक है। देखो बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, एक बार मैं चाहूँगा कि आप इनको पढ़ो, देखो कि एरर्स कहाँ पे है, उसके बाद मैं एक एक करके इस पर डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो चलिए एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और देखिए कहाँ पे एरर है, ठीक है। तो आई होप आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ा होगा, देखा होगा कि एरर कहाँ पे है। तो चलिए एक एक करके इन सेंटेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है वो है, वरुण हैज़ बुक्ड 31st rooms ऑफ आर होटल, ठीक है। इसको समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा दो सेंटेंस को लिख के कि एक वर्ड कैसे कहाँ पे एडजेक्टिव भी बन सकता है, कहाँ पे एडवर्ब भी बन सकता है, ठीक है। जरा दो सेंटेंस को देखो,
दो सेंटेंसेस लिखे हुए बोर्ड पे, इनको एक बार आप पढ़ो। फर्स्ट सेंटेंस को अगर आप देखो, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, सौ वर्ब है, ठीक है, हर इसका ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। अगला सेंटेंस है, दिस इज माई फर्स्ट कार, दिस इज माई फर्स्ट कार, यहाँ पे दिस क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है ये, प्रोनाउन है, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं हो सकता क्या, नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये एक एडजेक्टिव होता तो इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन होता जिसको ये क्वालिफाई करता, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट है, इस क्या है, मेन वर्ब, ठीक है, कार क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए ये कैसी कार है, ये मेरी पहली कार है, ये फर्स्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है, और ये माइक जो है इसी कार को क्वालिफाई कर रहा है, मेरी कार है, कैसी कार है, पहली कार है, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसी सेंटेंस में ये जो फर्स्ट है एक बार एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है, और एक बार जो ये फर्स्ट है ये एक बार एडवर्ब बनने का काम कर रहा है, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है कि किसी भी आप सेंटेंस को देखो, ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, जैसे आई बाउट अ वेरी बिग हाउस, ठीक है, एक सेंटेंस है आई बाउट अ वेरी बिग हाउस, अगर आप इसमें गौर से देखो तो इसमें सबसे पहले एक एडवर्ब आ रहा है, फिर एक एडजेक्टिव, फिर उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है। कहने का मतलब है किसी भी सेंटेंस में जो कोई जनरल पोजिशन होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो क्या होता है, पहले एक एडवर्ब आएगा, फिर एक एडजेक्टिव, फिर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस को। वरुण यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बुक क्या है, मेन वर्ब, बुक्ड व्हाट, रूम्स इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑफ प्रेपोजिशन है, होटल्स का ऑब्जेक्ट है, ये आर क्या है, इस पे पोजिशन बनाने वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। देखियो इस सेंटेंस को पढ़ने से पहले, इस सेंटेंस को पढ़ने से पहले आप, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसकी हिंदी करके देखो कि क्या मतलब निकलता है इस सेंटेंस का। जो वरुण हैज बुक्ड 31st रूम्स ऑफ आर होटल, इसका एक बार आप हिंदी करके इसका मतलब निकालने की कोशिश करो। अगर आप मतलब निकालोगे ना तो बहुत अजीब अजीब मतलब आएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि सर यहाँ पे 31st रूम्स जो है ना, ये बता रहा है कि वरुण ने 31 कमरे बुक किए हमारे होटल के। वरुण जो है वो 31 कमरे बुक किए हमारे होटल, 31 रूम्स। अगर 31 रूम्स कहना होता तो यहाँ तो ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर बता रहा है, तो कैसे वो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे वो कार्डिनल है, यहाँ पे ऑर्डर बताने का काम कर रहा है, तो पॉसिबल हो नहीं सकता। कुछ बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे सर ना ये होगा 31वां कमरा, वरुण ने 31वां कमरा बुक किया हमारे होटल का। अगर वो 31वां कमरा होता तो यहाँ फिर रूम्स क्या कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। देखिए रूल क्या है, अगर आप बुक्स को देखो, कोई भी बुक देख लो, चाहे नीतू मैम की प्लेन टू पैरामाउंट बुक देख लो, उसमें रूल क्या मिलेगा आपको कि व्हेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल्स आर यूज साइमल्टेनियसली, जब कार्डिनल और ऑर्डिनल एक साथ यूज होते हैं तो हम लोग ऑर्डिनल को कार्डिनल के पहले लगाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट जो है ये ऑर्डिनल है, ये हमारा कार्डिनल से पहले आ जाएगा, ये रूल कहता है, ठीक है। और ये एरर कैसे ठीक होता तो वो देखो, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वरुण हैज बुक्ड फर्स्ट 30 रूम्स ऑफ आर होटल, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा रूल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा रूल बना क्यों, वो सीखते हैं। देखिए बात ऐसा है ना, अभी मैंने बताया कि देखो यहाँ पे 30 क्या है, अगर आप रूम्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है, इससे पहले ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये फर्स्ट जो है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, इसी वर्ड 30 को। जैसे मैं कहूँ ये क्या कर रहा है, पहले 30 कमरे, ठीक है, पहले 30 कमरे, ये 30 इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये फर्स्ट जो है ये एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ये हमारा बनेगा एडवर्ब, ठीक है। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में जनरल पोजिशन जो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो क्या होता है, पहले एक एडवर्ब आएगा, फिर एक एडजेक्टिव, ठीक है, उसके बाद कोई नाउन आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले एक एडवर्ब आया, फिर एक एडजेक्टिव आया, फिर कोई नाउन आया, ठीक है। इसलिए ये रूल बनाया गया है कि किसी भी सेंटेंस में जो जनरल पोजिशन होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो इसी टाइप का होता है, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है, इसका मतलब क्या है, वरुण ने बुक किए पहले 30 कमरे
हमारे होटल के, ठीक है। ये रूल समझ में आ गया आप लोगों को? हालांकि ये कोई रूल है नहीं, ये बस मेरा रूल को मतलब शॉर्ट करने का मेरा एक तरीका था कि कैसे हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस को देखो। राम हैज सॉल्व द फाइव फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ भी सेम रूल देख लो, यहाँ पे होना चाहिए था राम हैज सॉल्व द फर्स्ट फाइव क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। मान लो कोई एक्सरसाइज है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, तो राम ने क्या सॉल्व किए? राम ने सॉल्व किए पहले पांच क्वेश्चंस उस एक्सरसाइज के, ठीक है। थर्ड सेंटेंस को देख लेते हैं। यू आर सेकेंड पर्सन हु हैज रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, ठीक है। यहाँ पे यू आर सेकेंड पर्सन हु हैज रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। देखिए रूल क्या है, रूल ऐसा होता है ना कि व्हेन ऑर्डिनल्स आर यूज्ड वी जनरली प्लेस द बिफोर देम। ऑर्डिनल से पहले हम क्या करते हैं, द को प्लेस करते हैं। यहाँ होना चाहिए था यू आर द सेकेंड पर्सन हु हैज रिसीव्ड दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। पर ऐसा क्यों रूल बना कि हमें द को लगाना है ऑर्डिनल से पहले, ठीक है। देखिए रूल इसलिए बना ना, द लगाने से क्या हो जाता है ना, ये डेफिनेट हो जाता है, ये पार्टिकुलर हो जाता है कि हाँ वो तुम ही वो सेकेंड पर्सन हो जिसे ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है। द लगाने से यहाँ पे डेफिनेट हो गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे द आपका लगेगा और ये सेंटेंस नो एरर बन जाएगा। उसी टाइप से अगर फोर्थ सेंटेंस देखे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं ब्रेक करूँ, दिस सब्जेक्ट है, इस क्या है मेन वो, इज वॉट सेंचुरी, यहाँ ऑब्जेक्ट है, कैसे सेंचुरी थी, सेकेंड सेंचुरी, ये ऑर्डिनल है हमारा, एडजेक्टिव है न्यूमरल एडजेक्टिव, माई क्या है पोजिशन बना रहा है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इन क्या है प्रेपोजिशन है, टूर्नामेंट इसका ऑब्जेक्ट है, दिस क्या है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। देखो यहाँ पे ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया, पर यहाँ पे ये दिस प्रोनाउन था, ठीक है। यहाँ पे ये दिस जो है ना, ये टूर्नामेंट को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये पे यहाँ ये एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑर्डिनल यूज हुआ है सेकेंड, ठीक है, यहाँ भी ऑर्डिनल है, पर इससे पहले हमने दा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? रूल के हिसाब से, अगर बुक के हिसाब से जाओ आप, तो आपको मैंने बताया रूल क्या मिलेगा, व्हेन ऑर्डिनल्स आर यूज्ड वी जनरली प्रेफर दा बिफोर देम। लेकिन यहाँ पे हमने दा नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? देखो माई लगाने से भी तो ये बात स्पेसिफिक हो रही है, डेफिनेट हो रही है कि हाँ ये मेरी सेकेंड सेंचुरी है इस टूर्नामेंट में, माई लगाने से भी तो चीज डेफिनेट हो रही है, तो फिर यहाँ दा क्यों लगाएं? ऐसा कर दे क्या, दिस इज द माई सेकेंड सेंचुरी इन दिस टूर्नामेंट, सेंटेंस गलत हो जाएगा, वो बोलने सुनने में ग्रामेटिकली भी गलत है। यहाँ पे रूल क्या बनेगा, रूल नहीं बनेगा, यहाँ पे मतलब क्या है कि माई लगाने से भी क्या हो रहा है, ये चीज़ डेफिनेट हो जा रही है, ये मेरी सेकेंड सेंचुरी है इस टूर्नामेंट में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे दो रूल बताए कि अगर कार्डिनल और ऑर्डिनल एक साथ यूज होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑर्डिनल को प्लेस करते हैं कार्डिनल से पहले। क्यों प्लेस करते हैं, उसका रीज़न भी बताया। इस वाले में क्या बताया कि जनरली ऑर्डिनल्स के पहले दा यूज करते हैं, ठीक है। और तो एक बार इसको सारे सेंटेंसेस को नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है एडवर्ब का, उसको देख लेते हैं। एडजेक्टिव के हमने दो टाइप्स देख ली, ठीक है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव एक न्यूमरल एडजेक्टिव। आगे के जो टाइप्स है उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक एडवर्ब का एक कॉन्सेप्ट रह गया था मेरी बेसिक्स की क्लास में, उसको एक बार डील कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एडजेक्टिव के बेसिक्स के वीडियो अपलोड कर दिए है, एडवर्ब के बेसिक्स के वीडियो अपलोड कर दिए है। जब मैंने एडवर्ब का जो क्लास लिया था उसमें आपको बताया था कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब एडवर्ब और एन एडजेक्टिव इट्सेल्फ, ठीक है। उसे मैंने एक बात नहीं बताई आपको, ठीक है, वो आज बता देता हूँ। क्या है कि एडवर्ब जो है कभी कभी इट कैन क्वालिफाई इवन अ प्रेपोजिशन कंजक्शन और होल सेंटेंस। एडवर्ब जो है क्या कर सकता है, कभी कभी या तो एक प्रेपोजिशन या कंजक्शन या किसी पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर देगा, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं कुछ सेंटेंस को। फर्स्ट सेंटेंस है, विवेक वॉज हिट बाय अ कार एग्जैक्टली व्हेन ही पिक्ड योर कॉल, ठीक है। एक बार ब्रेक कर लेते हैं सेंटेंस को, देख लेते हैं पार्ट स्पीच कैसे कैसे है इसके। विवेक सब्जेक्ट है, वॉज क्या है हेल्पिंग वर्ब, हिट क्या है मेन वर्ब, बाय क्या है प्रेपोजिशन, कार इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हेन क्या है कंजक्शन, ही क्या है सब्जेक्ट नंबर टू, पिक्ड क्या है वर्ब, पिक्ड व्हाट कॉल
ये हमारा ऑब्जेक्ट है, योर जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। देखो मतलब क्या बन रहा है सेंटेंस का, विवेक वॉज हिट बाय अ कार एग्जैक्टली वेन ही पिक योर कॉल, ठीक है। विवेक जो है उसको एक कार ने धक्का मार दिया, कब, जब उसने तुम्हारा कॉल पिक किया, ठीक है। मान लीजिए मैं और विवेक सर जा रहे थे घूमने बाइक पे, ठीक है। तो क्या हुआ ना, विवेक सर बाइक चला रहे थे, अब विवेक सर बाइक चला रहे थे, अचानक से उनका किसी का कॉल आ गया, कॉल आ गया, तो वो सोचे कि चलो यार चलाते चलाते ड्राइव मैं कॉल पे बात कर लेता हूँ। फ़ोन निकाला उन्होंने विवेक सर ने, और तुरंत अपने कानों पे जैसे ही लगाया, जैसे ही उन्होंने कॉल पिक किया, अचानक से पीछे से एक कार वाला आया और हमें धक्का मार दिया उसने, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि विवेक वॉज हिट बाय अ कार एग्जैक्टली उसी समय, कब, जब उसने तुम्हारा कॉल पिक किया। तो ये वर्ड जो एग्जैक्टली, ये एक एडवर्ब है, ठीक है। और ये एग्जैक्टली वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, व्हेन को। कहने का मतलब है एग्जैक्टली व्हेन, यानी उसी समय। तो यहाँ पे व्हेन एक कंजंक्शन है, और ये जो एग्जैक्टली एडवर्ब है, ये जो वर्ड है एग्जैक्टली, ये कंजंक्शन व्हेन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। इसलिए मैंने जो रूल बताया वो यहाँ पे सही है, जो कॉन्सेप्ट बताया कि एक एडवर्ब जो एक कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करने का काम कर सकता है, ठीक है। ये एग्जैक्टली जो ये कंजंक्शन व्हेन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस को देख लेते हैं, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार। दे क्या है, सब्जेक्ट है। हिट क्या है, मेन वर्ब। हिट व्हाट या हिट होम, कमल इसका ऑब्जेक्ट। बिलो क्या है, प्रेपोजिशन है। बिलो क्या, नी इसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का। और हिज जो है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखिए इसका मतलब अगर निकाले, उन्होंने कमल को मारा, कमल को मारा कैसे, एग्जैक्टली बिलो हिज नी। कहने का मतलब है कि घुटने के ज़रा से नीचे, एकदम हल्का सा नीचे घुटने के उन्होंने कमल को मारा। ये जो वर्ड है एग्जैक्टली, ये काम क्या कर रहा है, किस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। कहने का मतलब है देखो, एग्जैक्टली बिलो हिज नी मतलब घुटने के एकदम ज़रा सा नीचे, एग्जैक्टली। ये वर्ड जो एग्जैक्टली है, ये क्या, ये इस प्रीपोजिशन बिलो को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये जो वर्ड एग्जैक्टली, ये प्रीपोजिशन बिलो को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। ये हमारा जो है ये एक एडवर्ब है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है एग्जैक्टली, ये भी एक प्रीपोजिशन को काम कर रहा है क्वालिफाई करने का। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये एकदम सेटिस्फाई कर रहा है कि एक एडवर्ब जो है एक प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। लास्ट सेंटेंस को देखते हैं, ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ दैट एक्सीडेंट, ठीक है। सौभाग्यवश वो वहाँ मौजूद नहीं था एक्सीडेंट के समय। एक बार इसको, जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है एक बार देख लेते हैं, इसको कैसे कैसे है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। वॉज क्या है, मेन वर्ब। प्रेजेंट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नॉट क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है। देयर क्या है, एडवर्ब। एट क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक है। टाइम इसका ऑब्जेक्ट। ऑफ क्या है, अगेन प्रेपोजिशन। और ये एक्सीडेंट क्या है, उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये दैट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है फॉर्चुनेटली, इसको आप कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच दोगे। सारे जितने भी वर्ड्स थे उसको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देख लिया कैसे कैसे है, पर ये जो फॉर्चुनेटली है इसको क्या दोगे, ये है हमारा एडवर्ब। ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। कहने का मतलब है, हिंदी करे तो, सौभाग्यवश वो वहाँ मौजूद नहीं था एक्सीडेंट के टाइम पे। ये जो वर्ड है ना, ये पूरा सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। ये है हमारा सेंटेंस एडवर्ब। ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है फॉर्चुनेटली, ठीक है। ये भी हमारा एक एडवर्ब है। तो ये जो कंसेप्ट दिया मैंने कि एडवर्ब जो है प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है, कंजंक्शन को, या फिर होल सेंटेंस को, पूरा सेंटेंस को क्वालिफाई करने का भी काम कर सकता है एडवर्ब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्चुनेटली जो है ये पूरा सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम नाम दिए हमने सेंटेंस एडवर्ब, ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो। तो उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव बताऊँगा,
तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रखता हूँ. दो मैंने एडजेक्टिव बताए, दो टाइप ऑफ एडजेक्टिव बताए, एक एडवर्ब का नया कंसेप्ट दिया. ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें फर्दर डिस्कशन करेंगे एडजेक्टिव को, और भी उसके टाइप्स देखेंगे, जितने भी एरर्स आते हैं एग्जाम्स में. ठीक है, उन एरर्स को डिस्कशन करेंगे इसी टाइप से. ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू.